नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे फटाफट खबरों का। हरियाणा में नहीं चल पाई गठबंधन की गाड़ी, कांग्रेस और आप के बीच सीटों को लेकर फंसा पेच। इस बीच सोमवार देर शाम आम आदमी पार्टी ने जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा दो तीन बार कर चुका हूं चाचा का कल्याण, अब नहीं चलेगा कोई झांसा, उनके लिए महागठबंधन का दरवाजा हमेशा के लिए किया गया बंद। सुप्रीम कोर्ट से यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नौकरी कर रहे सामान्य वर्ग के टीचर्स को बड़ी राहत, ओबीसी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच नई मैरिट लिस्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर टैक्स घटाने को लेकर हुआ विचार, अगली बैठक में हो सकता है फैसला। कैंसर की दवाओं पर 12 से घटाकर 5% की गई जीएसटी। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करती नजर आई। जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल हुए सभी सदस्य। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जीएसटी काउंसिल की बैठक पर बोले, भाजपा सरकार लगातार आम आदमी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। उत्तराखंड के गौरीकुंड में भीषण हादसा, लैंडस्लाइड में एक की मौत, मलबे की चपेट में आए थे 3 श्रद्धालु, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का समय। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, काम पर नहीं लौटे तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। पूरा विशेषों की तस्करी रोकथाम के लिए चेन्नई में वर्कशॉप का आयोजन, अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने भारत, नेपाल और तमिलनाडु की सरकार के सहयोग से किया आयोजन। बांग्लादेश की नई सरकार का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा के मौके पर मंदिरों की सुरक्षा में तैनात होंगे मदरसों के छात्र, मदरसों के छात्रों को बनाया वॉलंटियर। प्रधानमंत्री मोदी और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई बैठक, सीपीए समझौते की समीक्षा पर अहम चर्चा हुई। सीपीए समझौते को लेकर हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की हुई बैठक, जिसमें रक्षा ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देने की बात पर हुई चर्चा। भारतीय रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच संपन्न हुआ अहम समझौता, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। महबूबा मुफ्ती का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन असूलों पर आधारित नहीं है, अगर ऐसा होता तो वे सरकार बनाने के लिए 1987 के चुनाव को धांधली नहीं करते और जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, डबल इंजन की सरकार की झलक दिखाई पड़ रही है, इंसान तो इंसान, अब जानवरों को भी स्वास्थ्य रखने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार के नेतृत्व में हो रहा है काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 73वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, का धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है। नाइजीरिया में भीषण सड़क हादसा जिसमें कम से कम 48 लोग जिंदा चले, 100 से ज्यादा लोग हुए जख्मी, हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद, फ्यूल टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद हुआ भीषण विस्फोट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों ने की नाकाम, सेना द्वारा चलाया जा रहा है घुसपैठ विरोधी अभियान।
लखनऊ में सामने आई इंसानियत को शर्मसार करती घटना। एक नाबालिग के साथ तीनों लोगों ने किया गैंगरेप। एक संदिग्ध से पुलिस कर रही पूछताछ। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर शाम बाजार इलाके में आम लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में कहा, सुनना बोलने से कहीं ज्यादा जरूरी है। लोगों को समझने के लिए सुनना जरूरी है। आप हर मुद्दे को नहीं उठाते बल्कि बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राहुल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा ने मेरे काम के प्रति सोचने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसने राजनीति को देखने के मेरे नजरियों को बदला है। लोगों के साथ संवाद करने और उनकी बात सुनने के मेरे नजरियों को पूरी तरह से बदल दिया है। टेक्सास में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, राहुल वहां पर अपने विचार रखने गए हैं। सच्चाई है कि देश पिछले 10 सालों से सबसे बड़ी बेरोजगारी झेल रहा है और वो भाजपा की देन है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर आज होगा फैसला। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपना फैसला रखा था सुरक्षित। कोलकाता रेप मर्डर केस में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कोलकाता के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान। राज्य सरकार को जूनियर डॉक्टरों ने आज शाम 5 बजे तक अपनी मांगों को मानने का दिया अल्टीमेटम। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी डॉक्टर संदीप घोष के आज पेशी। कोलकाता के विशेष सीबीआई कोर्ट में संदीप घोष के साथ 3 और आरोपियों की होगी पेशी। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद बड़ा बवाल। गुस्साई भीड़ ने थाने को घेरा। सैयदपुरा इलाके के असामाजिक तत्वों ने किया था पथराव। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी का बयान, गणेश पंडाल पर पथराव करने के 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इनको बहकाने वाले अन्य 27 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सूरत के सैयदपुरा इलाके का गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने किया दौरा। इसी जगह गणेश पंडाल में उपद्रवियों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया था। सेलेना गोमेज ने इंडियन स्लैब्स शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ा। सेलेना ने ये मुकाम अपने सिंगिंग ग्रांड पार्टनरशिप और एक्टिंग की वजह से किया हासिल। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर गणेश चतुर्थी के दिन आई नन्ही परी। एक्ट्रेस दीपिका ने बेटी को दिया जन्म। पापा बने एक्टर रणवीर सिंह। हॉलीवुड एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने छोटी उम्र में हासिल की बड़ी कामयाबी। बिलियनर्स लिस्ट में शामिल कराया अपना नाम। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए के पार। और बता दें, सेलेना गोमेज की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी मेकअप कंपनी रेयर ब्यूटी से आता है। सेलेना ने 2019 में अपनी ये कंपनी शुरू की थी। बेलारूसी स्टार एरिना ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का जीता खिताब। संबालिका ने अमेरिका की जेसिका पेगुलो को 7-5, 7-5 से हराया। 1 घंटे 53 मिनट चला मैच। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन। 7 गोल्ड समेत जीते 29 मेडल। गेम के आखिरी दिन देश को 2 मेडल मिले। जैवलिन थ्रो इवेंट में नवदीप ने जीता गोल्ड और 200 मीटर रेस में सिमरन ने मारी बाजी। पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के नवदीप सिंह को मिला गोल्ड। ईरान के बेत साहे सादिक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद नवदीप सिंह का रजत पदक गोल्ड में बदला। पुरुषों की भाला F41 श्रेणी में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। नवदीप का पहला प्रयास फाउल रहा लेकिन उन्होंने दूसरे प्रयास में 46.39 मीटर के थ्रो के साथ की शानदार वापसी।